नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जहां पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाने की कसमकस कुछ इस कदर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दावा किया है कि शिवसेना के 45 नव निर्वाचित MLA भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, यानी शिवसेना पार्टी में फूट की खबर बता रहे हैं बीजेपी के सांसद। असल दोस्तों क्या है पूरा मामला, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि शिवसेना को महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के 50-50 के फॉर्मूले की मांग को लेकर अड़ी शिवसेना और उसकी ओर से जारी बयानबाजी से बीजेपी के आला कमान बेहद ज्यादा नाराज है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार पर जारी सस्पेंस के बीच शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रही है। शिवसेना ने 50-50 के वादे पर अड़ी हुई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसके पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है जिसमें बीजेपी ने 50-50 का वादा किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि हमने मुख्यमंत्री को लेकर शिवसेना से 50-50 के फॉर्मूले का वादा कभी नहीं किया है। फडणवीस ने कहा कि सरकार सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है, अगले 5 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का बयान आया है जिसने कहा कि शिवसेना के 45 नव निर्वाचित विधायक बीजेपी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय काकड़े ने कहा है कि शिवसेना के 45 नव निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री के संपर्क में है और समर्थन दे सकते हैं, यानी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में सेंध मारने को लेकर बीजेपी के नेता ने यह बयान दिया है और साफ तौर पर शिवसेना तोड़ने की बात भी चली जा रही है। यानी अब शिवसेना इस पर क्या जवाब देती है, आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि NCP के नेता शरद पवार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा आंकड़ा है जो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा, और ऐसे में साफ तौर पर NCP और शिवसेना अगर एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन करके दोनों सरकारों को बचा सकती है और साफ तौर पर शिवसेना और NCP की सरकार महाराष्ट्र में आसानी से बनाई जा सकती है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर भेजे जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में ही जबरदस्त फूट की खबरें आनी शुरू हो गई। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। मैं आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के 28 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को भारत के दौरे के दौरान दिल्ली से घाटी के लिए रवाना किया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर जाकर ये सभी विदेशी सांसद जम्मू कश्मीर का जायजा लेंगे और साफ तौर पर देश को लेकर अपने बयान देश के बाहर जाकर देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन सभी 28 सांसदों को देश के सबसे संवेदनशील बॉर्डरों के आसपास जाने के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के रीजन में जाने को लेकर विपक्ष निशाना साधते हुए कहा है कि जब देश के संसद, जो भारत में सर्वोच्च संस्थान है, उसके सांसदों को जम्मू कश्मीर जाने से रोका जा रहा है, लेकिन विदेश और अंग्रेजों को बुलाकर भारत का जम्मू कश्मीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, यह साफ तौर पर भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के संविधान की गरिमा को बनाए रखना चाहिए था और भारत के सांसदों को पहले जम्मू कश्मीर में जाने की इजाजत देनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर की जनता से भारत के सांसद पहले बात करते और उनको उनकी सभी तकलीफों के बारे में जानने का अधिकार था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से ये कहा गया कि सुरक्षा के कारण ही श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में ना जाने की इजाजत का हवाला देते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में गया विपक्षी दल को श्रीनगर से वापस लौटा दिया गया था, लेकिन अब अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर भेजने को लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामले में विदेशी दखल को लेकर भी ये खबरें आनी शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, भारत कभी भी जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर विदेश के किसी भी ताकत को भारत के अंदर आने से पहले भी मना करता रहा है और भारत के आंतरिक मुद्दे को भारत अपने हिसाब से समाधान करेगा, ये भारत का पुराना स्टैंड रहा है। लेकिन अब जिस तरह से विदेशी सांसदों को भारत के जम्मू कश्मीर में लाया गया है, साफ इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता के साथ लगातार समझौता किया जा रहा है और इसको लेकर गोदी मीडिया में भी किसी भी तरह का डिबेट नहीं हो रहा, जबकि इस पर सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को भी सरकार से सवाल पूछने के लिए जमीन पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए और राजनीतिक रूप से सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह के कड़े कोई भी कदम न उठाए जो देश की सबसे सर्वोच्च संस्थान पार्लियामेंट के खिलाफ हो, क्योंकि देश के अंदर कानून बनाने से लेकर संविधान के निर्माण तक की जिम्मेदारी और पूरे देश को संवैधानिक मूल्यों से चलाने की जिम्मेदारी ही पार्लियामेंट की है और ऐसे में पार्लियामेंट की औपचारिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए इस्तीफा मांगा है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि बिहार में सुशासनी राज चल रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के सामने ही सुशासन की धज्जियां उड़ती हुई कई सारी खबरें आती रहती है और इसको लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि बिहार में गुंडा राज, बलात्कारियों
अधिकारियों, महाफियों और अपराधियों, दुशासनों और राक्षसों की सुशासन चल रही है और मुख्यमंत्री जी कृपया अपने दुलारे प्यारे और सत्ता संरक्षित संपोषित गुंडों पर लगाम लगाइए। अब बहुत हो गया है, बिहार नहीं संभल रहा तो कम से कम इस्तीफा दे दीजिए। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में गाजर मूली की तरह लोग काटे जा रहे हैं, लोगों से चंदा वसूला जा रहा है और बिहार में अभी कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा क्योंकि सभी गुंडों का राजनीतिक सत्ता से कहीं ना कहीं लिंक दिखाई देता है और ऐसे में साफ तौर पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर कश्मीर दौरे को लेकर मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों, कश्मीर दौरे पर अपने देश के सांसदों को पहले भेजना होता तो बेहतर होता। हम आपको बता दें कि यूरोपियन संघ के 28 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर जाने की इजाजत देने पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार अपने देशों के सांसदों को कश्मीर भेजती तो बेहतर होता। मंगलवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के संविधान अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के उपरांत वहां की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर भेजने को लेकर भारत सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि भारत के सांसद को जम्मू कश्मीर भेजना चाहिए था, जहां पर भारत के सांसद वहां का जायजा लेते और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ विपक्ष के लोग एक बार मुलाकात करने के साथ ही उनको ये बताते कि उनकी समस्या सुनने के लिए भी पार्लियामेंट भारत की पूरी तरह से तैयार है और भारत के सांसद अपनी जनता के प्रति कितने ज्यादा उत्तरदायी है। लेकिन मोदी सरकार की ओर से उन सांसदों को जम्मू कश्मीर रोके जाने को लेकर पहले भी कड़ी निंदा की गई थी और अब तो और ज्यादा की जा रही है क्योंकि विदेश के सांसदों को कश्मीर भेजा जा रहा है। एक और बड़ी खबर है जहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम कुर्सी की जंग को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी दुष्यंत नहीं है और किसी के पिता यहां पर जेल में नहीं है। हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ ही दुष्यंत चौटाला के पिता को जेल से छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा है कि यहां कोई भी दुष्यंत चौटाला नहीं है और किसी के पिता जेल में बंद नहीं है, जो बीजेपी आसानी से गठबंधन बनाकर अपनी सरकार बना लेगी। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों, एनसीपी के नेता शरद पवार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मैं आपको बता दें कि ईडी का गलत इस्तेमाल करने को लेकर एनसीपी के नेता शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और संकेत दे दिए हैं कि अगर शिवसेना चाहेगी तो एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगाए हुए है कि अगर शिवसेना बीजेपी को समर्थन नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी। लेकिन अभी की स्थिति कुछ इस प्रकार की है जहां पर एनसीपी शिवसेना के साथ में किसी भी वक्त जा सकती है और ऐसा होने के साथ ही हम आपको बता दें कि शिवसेना और एनसीपी सरकार में और कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन करने के साथ ही बीजेपी को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे यूरोपियन यूनियन के नेता, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद ये सभी सांसद भारत के सबसे संवेदनशील जगहों में और बॉर्डर के एरिया में जाएंगे। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि गैरों पर करम, अपनों पर सितम क्यों किया जा रहा है, यानी विदेशियों को बुलाकर भारत के क्षेत्रों का मुआयना कराया जा रहा है। इससे पहले भी पठानकोट के हमले को लेकर बीजेपी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था, जिसमें आईएसआई के आतंकवादियों ने आकर पठानकोट के एयरबेस का निरीक्षण किया था, जिसके बाद सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। और एक बार फिर से ऐसे ही चीजें देखने को मिल रही है जहां पर 28 यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर का दौरा कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसे भी देश हैं जो भारत को लेकर कई बार गलत गलत बयानबाजी करते रहते हैं और साफ तौर पर भारत एक संप्रभुत्व राज्य है और ऐसे में भारत किसी भी दुनिया के प्रेशर के अंदर नहीं आ सकता है और साफ तौर पर भारत अपने आंतरिक मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने आप में सक्षम है। बावजूद इसके विदेशी सांसदों को भारत में बुलाना साफ तौर पर भारत की संप्रभुता को लेकर ये बड़ी सवालों को खड़ा करता है। दरअसल दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक हम लगातार लेकर आ रहे थे, आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है जहां पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों के द्वारा जम्मू कश्मीर का दौरा करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरा मामला, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, यूरोप के देशों को मिलाकर एक संगठन बनता है जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 28 से ज्यादा देश होते हैं और अब सभी देशों के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर आया है, जहां पर जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद वह पूरे विश्व को बताएगा कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसे देश की संप्रभुता पर बड़ा हमला बताया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू और कश्मीर जाने की इजाजत है और यह देश के लिए एक खतरनाक फैसला है। हम आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के सांसदों की बजाय कांग्रेस पार्टी
इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर दोस्तों बैरकपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर तृणमूल